हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं गैंगस्टर वेगास। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमने बैनी को बचाया था, फिर बैनी हमारे टीम में ज्वाइंट हो चुका था। और हाँ, जिसको नहीं मालूम कि बैनी कौन है, बैनी है प्रैंक का भाई, जिससे अभी हमारी लड़ाई चल रही है। तो बैनी तो हमारे टीम में ज्वाइंट हो चुका था क्योंकि वो भी प्रैंक को मारना चाहता था। तो प्रैंक का भी जल्दी काम खत्म होने वाला है, तो अभी हमको कैरन ने बुलाया अपने पास, तो वहाँ पे चल रहे हैं अभी कैरन के पास। वो कुछ ज़्यादा इमरजेंसी बुला रही है, पता नहीं क्या इतनी जल्दी क्या इमरजेंसी आ गई। भाई ये देखो नई कार अपनी, अरे हम तो अब नई कार खरीदते ही रहते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत पैसा है। रियल लाइफ में नहीं, मतलब इस गेम के अंदर इसमें बहुत पैसा है, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं कैरन के पास। और हाँ गाइस, वीरा तो अपनी मर ही चुकी है, उसको हम लोगों ने बहुत ढूंढा था, नहीं मिली थी वो। फिर वीरा की डेड बॉडी मिली थी, तो हमने पुलिस के हवाले कर दिया था उसकी डेड बॉडी को। उसकी डेड बॉडी को क्या करते हैं हम, तो वीरा तो नहीं रही है, तो चलते हैं अभी। ओके तो आ चुके हैं, देखते हैं अभी क्या कहते हैं ये लोग। गाइस अभी बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, जो अपना बहन है ना, इसके तीन भाई हैं टोटल, मतलब इसने बताया नहीं था मेरे तीन भाई हैं, ये टोटल तीन भाई हैं। तो इसका एक भाई जो सबसे छोटा है ना, वो जान गया कि बहनी हमारे टीम में ज्वाइंट हो चुका है। तो बहनी कह रहा था उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं तुम्हारे टीम में ज्वाइंट हो चुका हूँ, तो अभी उसी को पकड़ने चल रहे हैं हम लोग। ओके तो आ चुके हैं भाई, ये रहा जो सामने व्हाइट कोट में है ना, ये वाला उसका भाई है, तो इसको ही पकड़ेंगे। अबे अबे भाई क्या पावर है इन लोगों के, पूरी गाड़ी हिला दी। तो चलो अभी पकड़ते हैं इन लोगों को। भाई यहाँ पे अपनी कार होती ना, इन लोगों को चुटकियों में पीछे कर देता, मैं सही बोल रहा हूँ। इस कार की स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, कैसे पकड़ेंगे यार हम। देखो कितनी जोर से भग रहे हैं वो लोग, चलो कोई ना। ओके गाइस काफ़ी देर से इसका पीछा कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि ऐसे तो पकड़ में आएगा नहीं। तो कैरन को आगे विर्च पड़ता है ना, उस पर भेज दिया मैंने, कैरन वहीं पे मिलेगी, विर्च पे इसका इंतजार करेगी, जब आएगा ना तो इसको हम लोग बहुत मारेंगे पकड़ के, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं भाई कहाँ तक भगता है ये। और हाँ कैरन बोल रही थी पुलिस वाले भी खड़े हैं, पता नहीं पुलिस वाले किस लिए खड़े हैं यार वहाँ पे। तो अभी पहुँचने वाले हैं विर्च पे। ओके तो आ चुके भाई, ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये आ रही है इसकी गाड़ी, अभी ठोंकी थी उसने भाई, बच गया। चलो ये पुलिस वाले हमारे लिए हैं, इसके लिए शायद हमारे, अरे इसके लिए खड़े हैं वे। ओके तो आ जाओ, इनका भी मरने का दिन आ गया, एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। चलो भाई सारे गए, ओ भाई मेरी गाड़ी बच गई फूटते हुए। और हाँ गाइस वैनी कह रहा था अगर वो हमारी टीम में ज्वाइंट हो तो रख लेना, ना ज्वाइंट हो तो वहीं पर मार देना इसको। तो अभी इससे डरने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा बोलेगा तो उड़ा देंगे इसको, है ना। आगे तो रास्ता भी लॉक कर रखा है भाई, अरे भाई क्या ही काम किया इन लोगों ने, देख रहे हो अभी इसको क्या हो गया। अरे ओ भाई कौन सी गोली लेके आई है। चलो भाई अभी आगे मिलेंगे यहाँ पे बीच में। ओके अभी कोई टेंशन की बात नहीं, वो रहे सामने इमेन और कैरन आए हुए हैं क्या इसको पकड़ने के लिए शायद, हाँ वही है दोनों। तो चलो अभी इससे अपना बात बात करते हैं, देखते हैं मानता है नहीं मानता, नहीं मानेगा तो भाई समझ रहे हो ना भाई, इससे बात करने गया तो मुँह पे घूसा मार रहा है, रुक जा तेरी भैंस की रुक, हमसे लड़ेगा तू हमसे लड़ेगा। अरे भाई अभी बूढ़े हो गए हो तुम, हमसे नहीं लड़ पाओगे अब। ओके अभी इनसे बात कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। गाइस तो वो भी हमारी टीम में ज्वाइंट हो चुका है, अब तो प्रैंक को मारना और भी इजी हो गया, बताओ दोनों भाई मिले हुए हैं उसको मारने के लिए, बताओ। तो इससे पूछा था मैंने कहा प्रैंक को मारने का सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा, तो बहनी का भाई बोल रहा था कि कल प्रैंक दूसरे कंट्री में बहुत सारे पैसे भिजवाएगा, तो उसके पैसे भी लूट लेंगे और प्रैंक को भी मार देंगे। मैंने कहा भाई ये सही रहेगा, पैसे भी मिल जाएंगे उसको मार भी देंगे। तो गाइस आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।